तो मैंने खरीद लिया यहाँ पे इंडिया के टॉप सेलिंग ब्लूटूथ ईयरफोन्स को, जो कि आपको मिल जाते हैं रुपीज 2000 के अंदर। और ये सारे ईयरफोन्स हमने खरीदे हैं उनकी टॉप रेटिंग्स और ग्रेट रिव्यूज के बेसिस पे। मैं करने वाला हूँ इन सभी ईयरफोन्स के साथ रियल टाइम टेस्ट और आपको सुनाने वाला हूँ एक्चुअल साउंड एक्सपीरियंस इन सभी ईयरफोन्स का। तो ये चार ईयरफोन के ब्रांड्स हैं, बोट रॉकर्स 330, वन प्लस बुलेट Z2, रियलमी बड्स वायरलेस 2 नियो और ओप्पो एमको M32। तो चलिए अब बात करते हैं इन सभी ईयरफोन्स के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे आपको इन सभी ईयरफोन्स के अंदर काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और इवन इनकी ईयरबड्स और वायर क्वालिटी भी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीमियम है। और यहाँ पे अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो वन प्लस, रियलमी और ओप्पो का कंफर्ट लेवल मुझे काफी अच्छा लगा और मैं उनको लॉन्ग आवर्स के लिए भी काफी आराम से यूज कर पा रहा था। बट अगर यहाँ पे मैं बोट की बात करूँ तो उसके अंदर मुझे ये ईयरफोन्स का रबर सपोर्ट का डिजाइन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा जब मैंने उसको यूज किया लॉन्ग आवर्स के लिए। और यहाँ पे मैं अगर सभी ईयरफोन्स के साथ वाटर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो बोट, वन प्लस और ओप्पो के साथ आपको IPX5 की रेटिंग मिल जाती है और इसके साथ आप अपने ईयरफोन्स को इवन लाइट रेन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और ये स्प्लैश प्रूफ भी रहता है। और यहाँ पे अगर मैं रियलमी की बात करूँ तो उसके साथ आपको सिर्फ IPX4 की रेटिंग मिलती है जिसमें बेसिक वाटर स्प्लैशेस से आपका ईयरफोन्स प्रोटेक्टेड रहेगा, बट इस ईयरफोन्स को मैं रेन के अंदर यूज करने का रिकमेंड नहीं करूंगा। तो कंफर्ट के साथ ईयरफोन्स की स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमने किया है सभी ईयरफोन्स के साथ एक रन टेस्ट ये चेक करने के लिए कि कौन सी ईयरफोन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी है। तो इस टेस्ट के अंदर रनिंग करते टाइम ओप्पो और वन प्लस का ईयरफोन्स काफी ज्यादा स्टेबल था और वो एक बार भी ईयर से नहीं निकला। और यहाँ पे अगर मैं बोट की बात करूँ तो उसका ईयरफोन्स भी काफी ज्यादा स्टेबल था, बट उसका लेफ्ट साइड वाला ईयरफोन इस एक्स्ट्रा वेट की वजह से कभी कभार निकल रहा था और वो चीज मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी। और फाइनली अगर मैं रियलमी की बात करूँ तो वो रनिंग करते टाइम काफी बार निकल रहा था तो उसकी स्टेबिलिटी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं इन सभी ईयरफोन्स के मेन फीचर्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बोट के साथ यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है जो कि अराउंड 60 आवर्स का है। और उसके इमीडिएट बाद वन प्लस और ओप्पो के अंदर भी आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है जो कि अराउंड 30 आवर्स का है। और यहाँ पे अगर मैं रियलमी की बात करूँ तो उसका बैटरी बैकअप मुझे थोड़ा कम लगा क्योंकि वो सिर्फ 17 आवर्स का था। और यहाँ पे आपको बोट, वन प्लस और ओप्पो के अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है जिसके अंदर आप सिर्फ 10 मिनट्स चार्जिंग के साथ ऑलमोस्ट 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम ले सकते हैं। मगर यहाँ भी रियलमी के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है और उसके अंदर आपको 10 मिनट की चार्जिंग के साथ सिर्फ 2 घंटे का प्ले टाइम मिलता है। और यहाँ पे हमने सभी ईयरफोन के साथ उनकी ब्लूटूथ रेंज को भी चेक किया है एक आउटडोर स्पेस के अंदर। और यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हैं जिसके अंदर वन प्लस और ओप्पो की रेंज काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वो 20 मीटर से ऊपर थी। और यहाँ पे अगर मैं बोट और रियलमी की बात करूँ तो उसकी ब्लूटूथ रेंज 20 मीटर से थोड़ी कम थी, बट वो भी एक अच्छी ब्लूटूथ रेंज है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इन सभी ईयरफोन की साउंड क्वालिटी की। और वो करने के लिए हमने एक हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक का यूज किया है जिसके अंदर आप लेफ्ट और राइट ईयर का कंप्लीट इन ईयर एक्सपीरियंस सुन पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं इन सभी ईयरफोन्स की बेस परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे हमने सभी ईयरफोन्स की वॉल्यूम को सिमिलर लेवल पे सेट कर दिया है और हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं एक बेस हैवी सॉन्ग को। तो यहाँ मेरी पर्सनल लिसनिंग एक्सपीरियंस के बाद मुझे बोट, वन प्लस और ओप्पो की बेस परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो काफी ज्यादा क्रिस्प और पंची थी। और यहाँ पे अगर मैं रियलमी की बात करूँ तो उसकी बेस परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी थी, बट वो उतनी डीप एंड पंची नहीं थी जितनी बाकी ईयरफोन्स की थी। तो यहाँ पे हम सभी ईयरफोन्स का वोकल और इंस्ट्रूमेंटल क्वालिटी भी चेक करने वाले हैं और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मूवीज देखते टाइम या फिर कुछ मेलोडियस गाने सुनते टाइम। तो चलिए इस क्लैरिटी टेस्ट को भी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मुझे ओप्पो और वन प्लस की वॉइस और इंस्ट्रूमेंटल क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी और उसके इमीडिएट बाद मुझे रियलमी की भी साउंड क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी, बट ओप्पो और वन प्लस से थोड़ी सी कम।
और फाइनली अगर मैं बोट की बात करूं तो उसकी साउंड क्लैरिटी मुझे थोड़ी सी एवरेज लगी। तो इन सभी ईयरफोन्स के साथ आपको माइक नॉइस कैंसिलेशन भी यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर कोई भी आपकी आवाज काफी क्लियरली सुन पाता है जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं। और इसका भी हमने इन सभी ईयरफोन्स के साथ यहाँ पे टेस्ट किया। तो ये वॉइस क्वालिटी टेस्ट है बोट ईयरफोन्स के साथ। सो दिस इज अ वॉइस क्वालिटी टेस्ट फॉर बोट ईयरफोन्स। तो ये वॉइस क्वालिटी टेस्ट है OnePlus ईयरफोन्स के साथ। सो दिस इज अ वॉइस क्वालिटी टेस्ट फॉर OnePlus ईयरफोन्स। सो दिस इज अ माइक क्वालिटी टेस्ट फॉर द Realme ईयरफोन्स। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है Realme ईयरफोन्स के साथ। तो ये वॉइस क्वालिटी टेस्ट है Oppo ईयरफोन्स के साथ। सो दिस इज अ वॉइस क्वालिटी टेस्ट फॉर Oppo ईयरफोन्स। तो यहाँ पे सभी ईयरफोन्स की पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे रियलमी और ओप्पो की माइक क्वालिटी सबसे ज्यादा क्लियर लगी, जिसके अंदर बैकग्राउंड नॉइज भी काफी ज्यादा कम था। और यहाँ पे बोट और वन प्लस की साउंड क्लैरिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी, बट उतनी क्लियर नहीं जितनी रियलमी और ओप्पो की थी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे फाइनल रिजल्ट्स को। तो इन सभी टेस्ट के हिसाब से यहाँ मेरी पहली रिकमेंडेशन होगी आपको ओप्पो और वन प्लस ईयरफोन्स की, क्योंकि उसका बेस और साउंड क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी और इवन उसके साथ आपको काफी अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे मेरी सेकंड रिकमेंडेशन होगी आपको Realme ईयरफोन्स की, क्योंकि उसके साथ भी आपको काफी अच्छी साउंड क्लैरिटी और फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने ईयरफोन्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बोट के ईयरफोन्स को, क्योंकि उसके साथ आपको ऑलमोस्ट 60 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि ये सारी रिकमेंडेशंस यहाँ पे कम्प्लीटली अनस्पॉन्सर्ड है और यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग टेस्ट और डिटेल कंपैरिजन की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।